तो पिछले पार्ट में लिंगो निकल पड़ा था आउटर डिसिपल बनने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद मास्टर उसे कहते हैं कि अगर वो फैंग के 5 मूव से बच जाता है तो वो उसे आउटर डिसिपल चुन लेंगे। अब लिंगो 4 अटैक से तो बच चुका था और फिर 5वें अटैक की बारी थी। तो अब जब फैंग 5वां अटैक करता है तो लिंगो उसका अटैक करने से पहले ही आगे बढ़कर उसके पैर को रोककर खुद उसे किक कर देता है, जिसकी वजह से फैंग दूर फेंक जाता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो लिंगो आगे बढ़ता है और मास्टर के पास आकर कहता है कि लो मास्टर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया, अब आपको वादे के मुताबिक मुझे आउटर डिसिपल चुनना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग भी बहुत गुस्से में था, इसलिए वो तुरंत उठता है और लिंगुन की तरफ अटैक कर देता है। इस पर लिंगुन भी उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते ये फाइट बड़ी सीरियस मोड पर आ जाती है। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे और अब उनकी फाइट देखकर बाकी डिसिपल्स भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उनकी फाइट को रोके, बल्कि वो तो आपस में बात कर रही थी कि आखिर कौन जीत सकता है। यहाँ पर मास्टर भी बहुत शौक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब हम देखते हैं कि लिंगुन फाइट में फैंग पर थोड़ा भारी पड़ने लगा था। वो फैंग को किक करता है जिसकी वजह से फैंग दूर फेंक कर एक टेबल से टकरा जाता है। अब हम देखते हैं कि फैंग खड़ा होता है और तुरंत उस टेबल को उठाकर लिंगुन की तरफ फेंक देता है, लेकिन अब लिंगुन भी उसे डोज कर उससे बच जाता है। और उसके बाद अब फैंग वहां से भागते हुए अपनी ईगल पीस का इस्तेमाल करता है और अब वो यहां लिंगुन की तरफ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी यहां पर लिंगुन भी अपने टाइगर फिस्ट टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज एनर्जी फैलने लगी है। ये एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी। अब बाकी सभी इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। अब हम देखते हैं कि भले ही लिंगुन इस टाइगर फिस्ट का इस्तेमाल पहली बार किया हो, लेकिन फिर भी वो फैंग के अटैक से बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसी कारण से अब फैंग नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा चोट भी आई थी, यहाँ तक कि अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब ये देखकर मास्टर और भी ज्यादा शौक हो गए थे। इसके बाद मास्टर उसे देखते हैं और फिर लिंगुन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर लिंगुन कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मैच आपने ही रखवाया था और अब मेरी क्या गलती। अगर कोई स्टूडेंट अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और वैसे भी इसने ही मुझ पर पहले हमला किया था और मैंने बस उसका जवाब दिया, आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए और मुझे आउटर डिसिपल चुनिए। इस पर अब मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अब इतना कहकर वो लिंगुन की तरफ अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें कोई रोक देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर उस जगह यंग पेट्रियार्च यानी कि यंग मास्टर आ चुके थे और अब उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट्स प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि वो मास्टर भी उन्हें प्रणाम कर रहे थे। और इसके बाद अब यंग मास्टर इन मास्टर से कहते हैं कि आप इस स्टूडेंट को बार बार प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो, जैसा आपने कहा था उसने वो पूरा किया, तो अब आप भी अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए ना। तो इसके बाद अब मास्टर भी उनकी बात मान लेते हैं और हाँ करते हैं। और फिर अब यंग मास्टर लिंगुन से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी पावर देखी, तुमने अच्छी फाइट की थी, लेकिन तुम खुद से कमजोर का ध्यान रखा करो। अगर कोई कमजोरी व्यक्ति तुमसे लड़ रहा है तो तुम्हें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसे उसी के लेवल से हराओ, ना कि अपना लेवल या फिर अपनी पावर दिखाकर। इस पर अब लिंगुन भी हाँ करता है और साथ ही वो यंग मास्टर लिंगुन से ये भी कहते हैं कि अब तुम अलग तरीके की ट्रेनिंग करोगे जो कि स्वॉर्ड ट्रेनिंग होने वाली है, इसलिए तुम्हें थोड़ा देखकर प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि स्वॉर्ड टेक्निक्स कल्टीवेशन टेक्निक से थोड़ी अलग होती है। इसके बाद अब लिंगुन हाँ करता है और वो मास्टर और लिंगुन वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल वो मास्टर अभी लिंगुन को गोंग मेथड चुनने के लिए ले जा रहे थे। गोंग मेथड वो मेथड होती है जो कि आउटर डिसिपल खुद अपने लिए चुनता है। इसमें कोई भी खास बुक को चुनना रहता है जिसमें जो भी टेक्निक लिखी होती है उसे वो सिखाई जाती है और समझाई जाती है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और ये मास्टर लिंगुन को सभी बुकों के सामने खड़ा कर कहते हैं कि लो सारी बुकें तुम्हारे सामने रखी हैं, तो तुम्हें इनमें से जो भी पसंद आए उस बुक को तुम चुन सकते हो और तुम कोई भी बुक आराम से डिसाइड कर लो, जब तक मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। इसके बाद अब लिंगुन सभी बुक को चेक करने लगता है। वो हर किसी के नाम पढ़ रहा था। वो देखता है कि कुछ बुक कल्टीवेशन के बारे में है, तो कुछ मार्शल आर्ट के बारे में और कुछ बाकी थोड़े से अलग है। तो अब वो एक बुक को चुनता है और वो एक मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो कुंग फू की बुक थी। इसके बाद अब वो उस बुक को लाकर मास्टर को दे देता है। अब मास्टर उस बुक को देखते हैं और थोड़ा सा हंसने लगते हैं। इस पर लिंगुन उनसे पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, आप हंस क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, तुमने अच्छी बुक चुनी है। और फिर इसके बाद अब वो कहते हैं कि तुमने मार्शल आर्ट की टेक्निक्स को चुना है, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ से कोई दूसरी टेक्निक ले सकते हो। अब मास्टर ने दूसरे शेल्फ की तरफ इशारा किया था, तो लिंगुन अब दूसरे शेल्फ में वहाँ की चीजें देखने लग जाता है। वैसे वहाँ पर बहुत ज्यादा बुक्स और स्क्रोल्स रखे हुए थे जो कि चेक करने में टाइम लगता, इसलिए मास्टर अभी वहीं पर बैठ कर इंतजार करते और लिंगुन से कहते हैं कि तुम आराम से डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, जब तक मैं भी यहाँ पर आराम कर लेता हूँ।
अब लिंकन वहाँ पर सभी मार्शल आर्ट टेक्निक्स की बुक्स को चेक करने लगा था। यहाँ पर भी उसे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी और वो कह रहा था कि इतनी सारी चीजों में मैं क्या चुनूं। तभी उसे कोने में एक बुक दिखती है और उस बुक पर लिखा था स्वॉर्ड प्ले, और अब लिंकन उसे उठाता है और खोल कर देखता है और अब वो उसे ज्यादा नहीं पढ़ता और चुन लेता है। लेकिन अब जब वो आकर मास्टर को वो बुक देता है और मास्टर जब उस बुक को देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बुक को टेबल पर पटक कर खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तुमने दोनों ही टेक्निक इतनी डिफिकल्ट चुनी है जो कि सिखा पाना मेरे बस की बात नहीं। मैं अभी जाकर यंग मास्टर को इस चीज कंप्लेन करता हूं। तुम यहां पर सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अब लिंकन उनसे कहता है कि आप ही ये क्या बात कर रहे हो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने तो बस ये बुक दोनों बस चुनी थी और ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है जो कि मुश्किल है, हम वो नहीं कर सकते। और वैसे भी यंग मास्टर को कंप्लेन करने की क्या जरूरत है, वो इसमें क्या करेंगे, उन्होंने कहा था कि मुझे सिलेक्ट कर लो तो आप कर रहे हो और अब मुझे यही सीखना है। वैसे अगर आप चाहो तो यंग मास्टर से भी बात कर सकते हो, फिर बाकी वो जैसा कहें। अब जब वो मास्टर ये सुनते हैं कि यंग मास्टर इसमें बीच में आएंगे तो उन्हें थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो यंग मास्टर से थोड़ा डरते हैं। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने इसे चुन ही लिया है तो अब मैं नहीं जानता, अगर फिर तुम्हें बाद में इसे ना कर पाए तो मुझे आकर मत कहना। तो इस पर लिंगन हाँ करता है और फिर वो मास्टर कहते हैं कि ठीक है तो अब तुम्हारे लिए तलवार चुनते हैं। अब जाते जाते लिंगन उनसे पूछता है कि आप यंग मास्टर से इतना डरते क्यों हो। तो इस पर मास्टर कहते हैं कि मैं उनसे डरता नहीं बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब उस जगह पर आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी तलवारें रखी हुई थी और आते ही मास्टर सबसे ऊपर रखी एक तलवार को उठा लेते हैं और लिंगन को दे देते हैं। अब लिंगन जैसे ही अपने हाथों में लेता है तो उसकी ब्लैक टूटकर नीचे गिर जाती है और ये देखकर मास्टर थोड़ा शर्मिंदा होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतने टाइम से यहाँ पर पड़ी होने के कारण शायद ये तलवारें कमजोर हो गई हैं। तो इसके बाद अब वो दूसरी तलवार निकाल कर लिंगन को दे देते हैं। लेकिन अब जैसे ही लिंगन उसकी ब्लेड पर हाथ फेरता है तो इस तलवार की ब्लेड टूट कर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एक और तलवार टूटती है और फिर सेम उसी तरह एक और। अब ये देखकर मास्टर थोड़े शॉक थे, वो लिंगन से कहते हैं कि तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना, तुम ये अपना मजाक कब खत्म करोगे, तुम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो। इस पर लिंगन कहता है कि ऐसी कोई टेक्निक थोड़ी ना होती है और अगर होती भी होगी तो मेरे पास नहीं है और ये सब मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। अब उसकी बात तो सच थी लेकिन मास्टर कह रहे भी क्या, क्योंकि कोई भी तलवार उसके लिए सही नहीं थी, हर तलवार टूट जा रही थी। इसके बाद अब लिंगन कहता है कि मास्टर आप मुझे कोई लीजेंडरी तलवार दे दीजिए तो शायद वो नहीं टूटेगी। लेकिन मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुम अभी उसके लायक नहीं हो। तो अब लिंगन उनसे कहता है कि ठीक है, अगर मैं उसके लायक नहीं हूँ तो आप मुझे मेरी तलवार दे दो, मुझे भी एक तलवार चाहिए। इसके बाद अब मास्टर वहाँ पर तलवार ढूंढना चालू कर देते हैं। वो कई सारी तलवारें निकाल कर फेंकते हैं लेकिन इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लिंगन को कौन सी तलवार दें। मगर अब लास्ट में उन्हें आखिरी में एक लकड़ी से बनी हुई तलवार मिलती है जो कि अब वो लिंगन को दे देते हैं। तो अब उसे देखकर लिंगन उनसे पूछता है कि क्या सच में मुझे यही रखनी होगी। तो इस पर मास्टर कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हें यही रखनी है और अब तुम इसी की प्रैक्टिस करोगे। अब लिंगन वो तलवार लेकर वहां से निकल चुका था। रास्ते में वो ये मान लेता है कि शायद उसकी जर्नी इस तलवार के साथ लिखी है और अब वो उस तलवार से प्रार्थना करता है कि तुम अब मेरे साथ रहने वाली हो, इसलिए प्लीज मेरी रक्षा करना। अब चलते चलते हुए एक खाई के पास वो आ चुका था। यहाँ पर अचानक से उसे थोड़ी एनर्जी महसूस होती है और साथ ही उसे यहाँ पर खुली हवा भी लग रही थी। और इसके बाद वो अपने हाथ के पास देखता है कि किसी तरह की एनर्जी उसके हाथ के आसपास फॉर्म होने लगी थी। दरअसल ये विंड एनर्जी थी और इसके बाद अब हमारा हीरो अपनी तलवार निकालकर उस विंड एनर्जी को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है और वो कुछ ही देर में उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। वैसे ये बहुत ही काम की टेक्निक है क्योंकि इससे वो दूर से ही अपनी तलवार की मदद से अटैक कर सकता था। साथ ही अब वो वहीं पर बैठकर उस गोंग मेथड की प्रैक्टिस भी, वैसे बहुत ही जल्द अब उसने उस भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और इसके बाद अब उसने वो मेथड को भी थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। वैसे तो उसमें कई सारे चैप्टर हैं, वो फर्स्ट चैप्टर में कन्वर्म हो चुका था और इससे उसकी पावर भी अब बढ़ चुकी थी। लेकिन अब जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसे कुछ डेंस एनर्जी महसूस होती है जो कि बहते हुए कहीं जा रही थी। अब जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक एनर्जी फ्रूट लगा हुआ है। ये डेंस एनर्जी उसे फ्रूट के अंदर जा रही थी। अब वो फ्रूट पूरी तरीके से पक चुका था लेकिन अभी वो देखता है कि वहाँ पर एक टाइगर है और ये टाइगर कोई नॉर्मल टाइगर नहीं बल्कि ये एक जैसा टाइगर है। दरअसल ये जैक टाइगर एक तरीके से बीस्ट ही होते हैं और असल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। साथ ही लिंग उनको भी याद आता है कि उसे इन टाइगर से दूर रहना है, मगर अब वो टाइगर उसके सामने ही था। लेकिन तभी वो टाइगर उस फ्रूट को भी खा लेता है जिसके बाद उसकी एनर्जी किसी टीमर की तरह बढ़ चुकी थी और अब वो बहुत खतरनाक भी हो चुका था। अब यहाँ पर हमारा हीरो को भाग जाना चाहिए लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो टाइगर तुरंत ही हमारे हीरो के ऊपर जंप कर देता है। मगर अब अचानक से ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।